आज सैटरडे है और आंधी देखो, माय गॉड, ओहो डर लग रहा है मेरे को तो। सुनो लाइट गई, बहुत तेज आंधी है, बहुत तेज आंधी। A few moments later. तूफान तो इतनी तेज आया था लेकिन बारिश थोड़ी ही देर हुई बस, बहुत तेज नहीं हुई, इतनी हुई कि ये बालकनी के लिए हो गई बस। तो दोस्तों बहुत देर की बात की ये क्लिप है, मैं यहाँ पे पूजा के बर्तन साफ कर रही हूँ और जाके सबसे पहले मैं पूजा करूंगी और घर के सारे काम हो चुके हैं। दूध है इसे पीने के लिए तैयार कर रही हूँ मैं, और ये आज का दूध है इसे मैं फ्रिज में रख दे रही हूँ। इसे फ्रिज में रख देते हैं क्योंकि ठंडा हो चुका है, जल्दी ठंडा हो गया, मौसम ठंडा है ना इसलिए। अब लंच में मैं बना लेती हूँ भिंडी, क्योंकि हरी सब्जियाँ जल्दी बना लो तो ज़्यादा ठीक रहता है, और बाकी की सब्जियाँ फिर बाद में देखेंगे। भिंडी की सब्जी रोटी बना रही हूँ मैं सिंपल, और रात के लिए सोच रही हूँ कि मैं ना छोले डाल देती हूँ, बहुत दिन से छोले नहीं बनाए हैं, छोले या फिर राजमा, क्या बनाऊँ? राजमा तो देखना पड़ेगा कहाँ रखा है, राजमा ये रहा, राजमा डाल देते हैं, राजमा है ना, छोले फिर बनाएंगे कभी, क्योंकि एक दिन बोल रहे थे राजमा खाने के लिए तो मैं राजमा ही बना लेती हूँ। राजमा भेजने के लिए शाम को हम राजमा और राइस बनाएंगे, मेरा बहुत मन है खाने का। सारे बर्तन मैंने क्लीन किए थे, और दोस्तों ये मटका ना ऐसा हो जाता है, मतलब जिस दिन हम लोग वॉश करते हैं, दो तीन दिन में तो मटका वॉश करेंगे, डेली तो करेंगे नहीं, तो दो मतलब एक दिन करते हैं उस दिन ठीक रहता है, दूसरे दिन ये वाइट वाइट हो जाता है, न्यू मटका है, पता नहीं ये क्यों हो जाता है, मुझे जरूर बताना आप लोग ये क्यों हो जाता है। ये मैंने भीगने के लिए रख दिया है, वॉश कर दिया पहले दो बार, और इसको ढक के हम रख देते हैं। तो आज मैं भिंडी मसाला बना रही हूँ, उसके लिए भिंडी को मैं लंबा लंबा कट करती हूँ और इनको कट कर लेंगे, उसके बाद मैं इनको फ्राई करूँगी ऑयल में, तो थोड़ा सा ही ऑयल डाला था और इनको मैं थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक मैं इनको फ्राई कर लूँगी, इनका कलर भी चेंज हो जाएगा, उसके बाद मैं इनको निकाल दूँगी। तो फुल रेसिपी नहीं दे रही हूँ, अगर आप मांगते हैं तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, आप लोग कमेंट करके बताना मुझे। तो बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी, ये देखिए मेरी सब्जी बन चुकी है, क्योंकि मैं आज आपको देने वाली हूँ राजमा की रेसिपी, जो कि इवनिंग बनाऊँगी, इसलिए मैंने भिंडी की नहीं दी है, ब्लॉग काफ़ी लेंथी हो जाता। तो एक साइड मेरी सब्जी बन रही है, एक साइड दूध गर्म हो रहा है, तो मैंने इलायची डाल दी, उसमें गर्म हो जाएगा, फिर मैं उसको फ्रिज में रख दूँगी। और यहाँ मैं बना रही हूँ मैंगो शेक, जैसे कि मैं बनाती हूँ सेम वही रेसिपी है जैसे मैं बनाती हूँ हमेशा, आपके साथ बहुत बार मैंने शेयर की है। तो दोस्तों ये देखिए भिंडी मसाला बनके तैयार है, और ये जो सब्ज़ी है ना ये बहुत टेस्टी बनती है,
दाल के साथ खाइए या किसी भी ग्रेवी वाली सब्जी के साथ इसको सर्व करो, बहुत टेस्टी लगती है। या फिर आप इसको सिर्फ और सिर्फ पराठे के साथ इंजॉय कीजिए ब्रेकफास्ट में, तो भी आपको बहुत पसंद आएगी। इसकी रेसिपी मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर कर दूँगी। यहाँ पर मैं गर्मा गर्म पराठे बना ले रही हूँ। मैंगो शेक बन चुका है जिसको मैंने फ्रिज में रख दिया है, जैसे ठंडा रहेगा। और सब्जी भी बन चुकी है, तो बस इनको मैं लंच करने के लिए दूँगी और फिर मैं भी अपना लंच करूँगी। तो अभी हमारे यहाँ पर ज़्यादातर ब्रेकफास्ट में दलिया ही बन रहा है, जो कि हम दोनों ही खा लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो बस इसके बाद में ये हमारा लंच है, हमारी मॉर्निंग थाली, लंच थाली। तो लंच करने के बाद थोड़ा बहुत मैंने फ़ोन चेक किया क्योंकि सुबह से नहीं किया था। उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद में बर्तन है इनको मैं क्लीन कर दे रही हूँ। तो ये सारे लंच के ही बर्तन हैं और दिन में बर्तन तो 2-3 बार क्लीन हो ही जाते हैं। A few moments later. तो थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद अभी मैं यहाँ पे एक अपना फ्रूट ले लेती हूँ कोई भी। तो आज बनाना है घर पे, तो मैं बनाना ले ले रही हूँ, तो बस बनाना खाऊंगी। और बनाना खाते खाते ही मतलब हमने कुछ प्लान कर लिया था कि थोड़ा घर से बाहर निकलना है काम से। A few moments later. तो दोस्तों व्लॉग को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। और यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ, तो बस मैंने बहुत लाइट वेट ये सूट पहना है और बहुत दिन के बाद पहना है। और मैंने चोटी कुछ अलग तरीके से बनाई है, मतलब हाफ बालों की मैंने चोटी बनाई है। हालांकि गर्मी में ओपन हेयर्स रखते हैं तो गर्मी लगती है, लेकिन ठीक है, मौसम थोड़ा सा ठंडा था। ऑल टाइम तो मैं इनको बंद ही रखती हूँ, तो सोचा कि चलो थोड़ा सा इनको ओपन करके रखते हैं। तो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी और अभी हम लोग थोड़ा सा निकल गए हैं बाहर काम से। और बस उसके बाद घर आने के बाद मैं आपको कुछ शॉपिंग दिखाऊंगी अपने किचन के लिए। मैंने कुछ शॉपिंग की है, छोटी मोटी की है बट आपको दिखाऊंगी। और राजमा बनाना है, राजमा राइस बनाएंगे आकर के। और मैं सोच रही हूँ कि आज एक मैं भजन भी शूट कर लूँगी ढोलक पे, तो वो भी करना है। देखते हैं कितने काम हो पाते हैं, चलते हैं थोड़ा सा गेट को बंद करते हैं। सुबह इतना आधी तूफान था और फिर धूप निकल आई थी उसके बाद, तो अभी मौसम ठीक है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है लेकिन ठीक है, धूप तो बहुत तेज आई हुई थी। आज की डेट क्या है, 27 मई। चलो चलते हैं। तो बस अभी हम लोग घर से निकल रहे हैं, निकलते निकलते थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। घर को लॉक वॉक करना, फिर कुछ रह गया, फिर कुछ रह गया याद करके उसको लेना, हमेशा कुछ ना कुछ भूलते ही हैं। ये रास्ते का है, ज़्यादा शूट नहीं किया था, थोड़ा सा ही किया था मैंने। A few moments later. तो गाइस हम लोग काम से आए हुए थे और अभी हमारा काम हो चुका है और हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से घर के लिए। कितने का आ रहा है ये, 2 दिन के बाद ना ये वाला सूट पहना है। चलते चलते मॉल में मैं तो हमेशा थक जाती हूँ, तो थोड़ा सा यहाँ पे खड़े हुए थे और सबको देख रहे थे, व्यू अच्छा लग रहा था मुझे। आज ना बहुत लोग मतलब आए हुए थे क्योंकि सैटरडे संडे होता है ना, वीकेंड होता है, तो बहुत लोग घर से बाहर निकलते हैं। फिर मौसम भी अच्छा था ऊपर से, इसीलिए तो यहाँ पे हम लोग कुछ बातें से हंसी मजाक कर रहे थे। और 2-3 जगह गए थे, मैंने हर जगह शूट नहीं किया क्योंकि आपको बताया कि हम लोग काम से आए हुए थे, तो जब कोई अर्जेंट काम होता है जहाँ पर वीडियो नहीं बना सकते वहाँ पर मैं नहीं बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर अभी ऐसे खड़े हुए थे और अब हम लोग निकल ही रहे हैं मतलब बाहर के लिए। तो गन्ने का जूस लिया बाहर निकल के, और विदाउट शुगर है, विदाउट आइस है, और मतलब बिल्कुल रियल वाला जो गन्ने का जूस होता है ना वो है, ना ही इसमें कोई मसाला है ना ही नींबू है, बट ठीक लग रहा था, अच्छा लग रहा था, मैंने इसको पी लिया। इसके बाद हम लोग निकल आए हैं, घर जा रहे हैं वापस। तो ये देखिए यहाँ से हमारा जो गाले का किला है वो दिखता है, वहाँ पे लाइटिंग जो है ना ऑन हो जाती है नाइट के समय में, तो बहुत अच्छा व्यू लगता है देखने में। और ये रही मैं खुद को निहारती हुई, आप सबको दिखाती हुई।
A few moments later. तो गाइस राजमा हो रहा है बॉयल और यहाँ पे मेरी चाय बन रही है। दूध गिर गया था सुबह, मैंने साफ ही नहीं किया। ये देखो यहाँ पे अभी अच्छे से क्लीन करके ही सोऊंगी किचन को, और अभी चाय पी लेते हैं। 8:30 बज चुके हैं, बाल कैसे उड़ गए, बाइक से जाते तो पूरे बाल खराब हो जाते हैं। और राजमा बॉयल हो रहा है, राजमा अभी मैं बनाऊंगी और राइस बनने के लिए रख देती हूँ, और आपको दिखाती हूँ शॉपिंग। ठीक है, इसमें तो अभी 7-8 में सिटी लगाऊंगी। ये मेरी चाय बन चुकी है, ये दिख रही है आपको। अभी फैन की जो नॉइस आ रही है ना उसको इग्नोर कर देना, क्योंकि ऑफ नहीं कर सकते, बहुत गर्मी हो रही है। अभी जस्ट बाहर से आए हैं तो मैं सोच रही हूँ कि आपको शॉपिंग दिखाई देती हूँ। और मैंने राजमा रख दिया बॉयल होने के लिए, डिनर में राजमा राइस बनेगा। दोस्तों मैंने ये मंगाया, आप लोग बताना कि इसको आप क्या बोलते हो। इसको मैंने ऑनलाइन लिया है अमेजोन से, उसमें तो इसको बोल रहे हैं वाटर डिस्पेंसर, लेकिन हैं डंका है ये लेकिन हम लोग इसको ना ढंका बोलते हैं, सुंदर है बाकी हैं शुद्ध हिंदी। लेकिन इसका डिज़ाइन मुझे इतना अच्छा लगा था ना, मतलब मार्केट में लेने के लिए जाते तो मुझे लगता है कि इतने का नहीं मिलता है ना, या मिल भी जाता लेकिन ये डिज़ाइन नहीं मिलता, और मिल जाता तो पता नहीं। अगर आप लोग बताना आपके पास इस डिज़ाइन का है क्या। हमारी मम्मी के पास ऐसा नहीं था, उनके पास मतलब अलग था, और इतनी बड़ी वो तो नहीं थी इसकी, क्या बोलते हैं ये, हाँ स्टेनलेस स्टील का है ये। तो हमने मटका लिया था ना, तो मटके के लिए हम लोग क्या करते थे ना, ग्लास डालना पड़ रहा था हमको, तो इनको आया ये आइडिया कि हम अंजलि हम ये ले लेते हैं, तो इसको हम लोग डंका बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके बताना, और बहुत ही अफोर्डेबल है, ज़्यादा महंगा नहीं है। और इसमें पता है पूरा एक ग्लास पानी आता है, आपको दिख रहा होगा, नहीं है 329 कुछ का है, 400 का है। हाँ तो देख लेना आप लोग, मैं लिंक दे दूंगी आपको इन सबका, क्योंकि आप लोग फिर बार बार पूछेंगे इसलिए। तो 399 का है, और इसमें ना इसे कहीं अगर आप इसको हैंग करना चाहते हो तो हैंग भी कर सकते। इसमें देखो ये होल्डर भी दिया हुआ है, और पता है आपको मेरा ये देना चॉपर, मेरा चॉपर ना टूट गया था, आपको बताया था ना मैंने, मेरे से पता है उसको हमने कब लिया था, पहले वाले फ्लैट में लिया था ना दिल्ली में, वो भी बहुत अच्छा चला था। और लेकिन ये थोड़ा सा यूनिक है, मेरे को ये यूनिक लगा। वैसे मुझे चॉपर चाहिए था, मैं देख रही थी कौन सा लूँ, इसकी भी रिव्यू रेटिंग अच्छे थे तो मैंने ये चॉपर मंगाया अपने लिए, और ये सारी चीज़ें मैंने बाय की हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ये कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ मैं, जो मैंने लिया है अपने किचन के लिए वो आपको दिखा रही हूँ। तो ये मुझे यूनिक लगा, और चॉपर के बिना काम होता नहीं यार, छोटी छोटी चीज़ों के लिए मिक्सर निकालना पड़ता है। वैसे भी ना बहुत सारी सब्जी ऐसी होती है जिसमें ना मतलब महीन, मुझे पेस्ट नहीं चाहिए होता है, मुझे थोड़ा सा मतलब रफली चॉप किया हुआ चाहिए होता है, तो उसके लिए चॉपर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखो ये चॉपर जो ना बहुत अच्छा है, अभी मैं आपको ऐसे दिखा दे रही हूँ, लेकिन अभी मैं इसको कट करूँगी ना राजमा के लिए, तो फिर आपको दिखा दूँगी। ठीक है, कट करके ये देखो ये है, और ये इसके ऊपर ऐसे लगाने वाला है, तो जब मैं यूज़ करूँगी तभी आपको दिखाऊँगी। कलर बहुत अच्छा है, वो चॉपर ना मेरा गिर गया था, नहीं तो टूटता नहीं, वो बहुत अच्छा चल रहा था, ऐसे कोई भी शिकायत नहीं आई थी उसमें भी, लेकिन ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। इसको देखेंगे ये कितने टाइम तक चलता है, थोड़ा सा यूनिक अलग हटके है, तो मुझे अच्छा लगा ये, और इसमें शॉपिंग करने में भी अच्छा लगेगा इतना मुझे पता है। और दोस्तों आपको पता है कि अभी मैं तवे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, उससे पहले मैंने जो वेजिटेबल्स बैग है ना, जो आपको लास्ट ब्लॉग में दिखाए हैं, तो वो बैग मैंने मंगाए हुए हैं, तो वो ग्रीन कलर के थे, स्पोर्ट का सेट है इसमें है ना, तो उसमें 4 ही ब्लू है, 4 ही पिंक है, 4 ग्रीन है, तो मैंने ग्रीन वाले निकाल दिए हैं, ये अभी बचे हुए हैं, तो ज़रूरत लगेगी तो निकालेंगे। और ये मल्टी है, आप इसमें कोई भी और भी सामान रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं किचन का सामान रख सकते हैं, पिन हो गया, या कहते हैं जो क्लोथ में लगाने वाली जो पिन होती हैं वो लगा रख सकते हो, या आपने कॉस्मेटिक का कोई सामान रख के आप बाहर लेके जा सकते हो, तो फ्रिज के लिए यूज़ कर सकते हो। मैंने आप लोगों को मतलब कमेंट करने के लिए बोला था ये बैग कैसे हैं, तो कुछ ने तो बोला है कि अच्छे हैं, आप यूज़ करो, सब्जियाँ फ्रेश रहती है, तो ख़राब हो जाएंगी तो ही मैं निकालूंगी, नहीं तो 4-5 बैग बहुत है मेरे लिए। फिर मैं इनको रख देती हूँ। ठीक है, एक तो मैंने ये मंगाए हैं, इनका सबका लिंक मिलेगा आपको, तो आप अगर लेना चाहते हो ना तो ले सकते हो। एक मैंने ना नॉनस्टिक तवा मंगाया हुआ है, क्योंकि डोसा बनाते हैं, चीला बनाते हैं, तो उसके लिए तो ये मतलब लगता ही लगता है। इसमें मिला है मुझे ये देखो, और इसके साथ में ये डब्बे में आया है, प्रेस्टीज का है, ये दिखाती हूँ,
इसके साथ में ये जूना भी मिला हुआ है, मतलब जो उसको क्लीन अप करने के लिए ब्लू कलर का। इसके साथ में वो नहीं मिली क्या, एक लकड़ी टाइप भी आती है शायद, इसके साथ में नहीं आई, ये प्रेस्टिज का ही है। तो मेरे पास यार एक्स्ट्रा था जैसे कि मैंने आपको बताया ना, लेकिन वो फिर मुझे, मैं एक दिन मौसी के यहाँ पे गई तो मुझे, मैंने देखा कि मौसी का तवा ना बहुत ख़राब हो गया था, तो मैंने मौसी को बोला कि मौसी मैं आपको दे दूँगी, मेरे पास एक्स्ट्रा रखा हुआ है, तो फिर मैंने उनको दे दिया था वो तवा। तो अभी मैंने फिर अपने लिए एक मंगाया हुआ है, ये जैसे ऐसा है और ये ऐसा है, हैंडल भी इसका बहुत अच्छा है। अब देखेंगे कैसे चलेगा, लेकिन मेरा जो पहले वाला प्रेस्टीज का था ना, जो हमने लोकल मार्केट से लिया था, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं निकला था। अब इसको देखेंगे ये कितना चलेगा, ये मतलब बजट में भी था और ठीक है, देखते हैं। तो मैंने एक ये तवा लिया है मुझे डोसा के लिए, और उसके लिए तो चाहिए ही चाहिए था। इसका सेप कैसा है, ऊपर नीचे लग रहा है क्या? चलो इस पर हम कल चीला बना के देखेंगे। डोसा चीला के लिए तो नॉनस्टिक तवा लगता ही है, वैसे आप सारे काम अपने नॉर्मल तवे पे कर सकते हैं, लेकिन डोसे वगैरह उसमें ना बहुत प्रॉब्लम करते हैं, इसलिए नहीं बना पाते। बस यही शॉपिंग की है मैंने फ़िलहाल तो, और शॉपिंग वीडियो आने वाले हैं अभी कुछ ही दिनों में। चलिए मैं जाती हूँ किचन में, कपड़े चेंज करती हूँ, फिर डिनर रेडी। तो ये देखिए इस चॉपर को हम यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, इसमें मैंने प्याज और लहसुन डाला। और दोस्तों मैं रियल इसका रिव्यू दूँ ना, तो मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और मैंने इसको रिटर्न भी कर दिया है। जब ये ब्लॉग जाएगा तब तक मैं इसको रिटर्न कर चुकी हूँ, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। ये मतलब प्रॉपर काम नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा रुक रहा था बीच बीच में, और जो फाइन होना चाहिए, जितना फाइन होना चाहिए, जिसमें मेरा पहला वाला चॉपर काम करता था ना, वैसा तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। आप देख सकते हैं रुक रुक के तो ये काम कर रहा है, तो मुझे पसंद नहीं आया पर्सनली, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं इतनी चॉपिंग करने में। तो फिर मैंने उसको रिटर्न कर दिया है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल लिया, जिसमें मैंने जीरा डाला है, और तेज पत्ते डाले हैं, जिसमें मैंने जो अभी चॉप किया था ना प्याज लहसुन, वो ऐड कर दिया है। जब प्याज लहसुन अच्छे से फ्राई हो जाएगा, मतलब भुन जाएगा, उसके बाद में इसमें रेगुलर लाल मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च दोनों ऐड कर दिया, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, तीखा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। सभी मसाले ऐड कर दिए, इनको अच्छे से आपको भूनना है, पकाना है। उसके बाद में इसमें ऐड कर दूँगी ये चॉप किया हुआ टमाटर, तो आप चाहे तो मिक्सर में भी आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं टमाटर और प्याज को, बट मुझे ना ऐसे इनको ना एकदम महीन वाली ग्रेवी पसंद नहीं आती है। नमक ऐड कर दिया है स्वाद के अनुसार, इसको पकने देंगे। और ये देखिए यहाँ पे जो टमाटर वगैरह है वो अच्छे से पक चुके हैं, तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, और इसको थोड़ा सा मैं हींग ऐड कर रही हूँ, हींग में हमेशा ऊपर से ऐड करने लग गई, उससे अच्छा फ्लेवर आता है। और ये मैंने थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर दिया है। सभी को अच्छे से चलाएंगे, मिक्स करेंगे, और उसके बाद बॉयल किया हुआ जो राजमा है, मैंने इसमें 7 से 8 सीटी लगाई थी, तब जाके अच्छे से ये बॉयल हो चुका है, वो ऐड कर देंगे। ये देखिए सब्जियाँ बॉयल आ गया है, ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग गाढ़ी पतली कर सकते हैं। गरम मसाला ऐड कर दिया, थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर दी, ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे, और मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला था। और सच में ये जो राजमा है बहुत अच्छा बना था, बहुत अच्छी रेसिपी है। ऊपर से जो लंबी लंबी कटी हुई हरी मिर्ची होती है ना, वो भी ऐड कर देंगे। ये देखिए रियल कलर हमारा डिनर राजमा बन गया है, बहुत यम्मी दिख रहा है, टेस्ट करेंगे। भिंडी मसाला सुबह का, चपाती बना ली है, राइस है और आमरस है। चलो टूट पड़ते हैं। तो गाइस अभी रात के 11:30 बज रहे हैं, और इस ब्लॉग का मैं एंड कर देती हूँ, एंड नहीं किया था। उससे पहले ना मैं कुछ कमेंट का रिप्लाई करने वाली हूँ, जो कि मुझे, मैं वैसे हेट कमेंट का रिप्लाई अभी कम करती हूँ, लेकिन वो कुछ मतलब ज़्यादा ही बोल रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि रिप्लाई करना ज़रूरी है। पूल वाले में एक कमेंट आया था कि तुमने कैसे लव मैरिज कर ली, तुम्हारा पति तो हाथी जैसा है, ठीक है। और वो कमेंट था अंकिता सोनी जी का। मैंने फिर पता है उनकी आईडी पे जाके चेक किया, ओनली 10 से 12 उनके सब्सक्राइबर हैं। और तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, अगर आप इस ब्लॉग को देख रहे हो, कि आप अपने पति पे ध्यान दीजिए, दूसरों के पति पे ध्यान मत दो। कोई जैसा है वो उसके लिए है, लव मैरिज शक्ल देख के नहीं की जाती है, ठीक है। और आपको क्या प्रॉब्लम है, देखो कैसे वो उनके ऊपर चढ़ गई है। हाँ भैया, मैंने बोला था कि भैया वहाँ पे जाके कोई कमेंट मत करना, एंजॉय कर रहे थे हम लोग, तो ऐसे फालतू कमेंट आप लोग मत करना। तो वहाँ पे उन्होंने इस तरीके का कमेंट किया,
एक और पुल वाले उस पर ही आया था कि गंवार लिखा हुआ था, जो थी वंदना करके उनकी आईडी थी। तो यार आप स्टैंडर्ड हैं तो आप अपना स्टैंडर्ड अपने पास रखिए ना, हम गंवार हैं तो गंवार भी पूल में जा सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि पूल में सिर्फ स्टैंडर्ड लोग ही जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल गंवार हैं, और अगर आपको ये हम गंवार अच्छे नहीं लगते हैं तो आप प्लीज़ अगर आपको देखना है तो देखिए, और नहीं देखना है तो आप इग्नोर करके जा सकते हो, स्किप करके जा सकते हो, ठीक है। लेकिन किसी को ऐसे डायरेक्टली बोलना अच्छी बात नहीं है मेरे ख्याल से। हम तो गंवारी हैं भाई, देसी हैं हम तो, जैसे भी हैं वैसे आपके सामने हैं। और आप कैसे हैं आप तो हमारे सामने हो भी नहीं कि हम आपको बता सके कि आप किस टाइप के हैं, लेकिन आपकी जो सोच है ना वो बहुत अच्छी है। दूसरा कमेंट एक और आया था कि इसी पूल में डूब के मर जा। क्यों भाई, मैं क्यों मर जाऊं, मैंने ऐसा क्या किया है जो मैं पूल में डूब के मर जाऊं? क्यों मैं पूल में डूब के मर जाऊं? डूबने से बची थी, क्योंकि मुझे तैरना तो आता नहीं है। तो बहुत बार मतलब मैंने कोशिश की उसी पूल में कि मैं मतलब स्विमिंग करना सीख जाऊं, जैसे कि मैंने देखा है कुछ कुछ किसी किसी के ब्लॉग में कि वो कैसे मतलब स्विमिंग करते हैं। हाथी बोला? हाँ सही बोला। क्यों? हाथी चलता जाता है, कुत्ते भौंकते जाते, कुत्ते भौंकते जाते, बिल्कुल सही बात है। वेरी गुड। मेरे साथ तो यही होता है कि मुझे कुछ याद ही नहीं आता, जब मुझे कुछ बोलना होता है ना तो मुझे कुछ याद ही नहीं आता बोलने के लिए। पहले सोच रही थी कि यार मैं कमेंट का रिप्लाई करूंगी तो उनको ऐसे ऐसे बोलूंगी, ऐसे मुझे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि यार देखो कीचड़ में पत्थर मारो तो कीचड़ आपके ऊपर ही उछलेगा, तो मैं नहीं बोलना चाहती। लेकिन फिर बाद में मुझे याद आता है कि यार मैं ये भी बोल सकती थी, ये भी बोल सकती थी, लेकिन इन्होंने 100% की एक बात बोल दी है कि हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते हैं, भौंकते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात, पुल में डूब के मैं क्यों मर जाऊं? देखिए, मेरी मौत और आपकी मौत, सबकी मौत भगवान ने डिसाइड की है। अब मुझे कैसे मरना है ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि मैं पुल में डूब के मर जाऊंगी, बताइए, है ना? तो सबकी डिसाइड है कि सबको कैसे मरना है, और जैसे मरना है वैसे तो जाना ही है इस दुनिया से। आप भी अमर नहीं है, मैं भी अमर नहीं हूँ, तो इस चीज से तो डरना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, कि मौत से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मौत तो सबको आनी है एक ना एक दिन। नहीं वो ठीक है यार, लेकिन किसी के लिए ऐसे, लेकिन अभद्र भाषा का प्रयोग कोई कैसे कर सकता, कैसे कर सकता है कि इसी पुल में डूब के मर जाए? यार मैंने आपका क्या बिगाड़ा है कि मैं मर जाऊं? मेरे मरने से क्या आपको खुशी मिल जाएगी क्या? तो आप ब्लॉग देखने आ रहे हो, ब्लॉग को एंजॉय करो यार, हम लोग एंटरटेनमेंट करते हैं, ठीक है। हम देखिए, हम भी बहुत सारे यूट्यूबरों को देखते हैं, देख के आ जाते हैं, हम किसी से क्यों जलेंगे ऐसे। मैं देखिए, आपने बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, और ना ही मैं आपके बोलने से मर गई और ना ही मरूंगी, क्योंकि वो तो सब पहले से डिसाइड है। लेकिन आपने जो बोला है ना, वो ऊपर वाले ने सुना है और सब लोगों ने देखा भी है आपका कॉमेंट, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि प्लीज आप किसी के भी ब्लॉग चैनल पर जाके इस तरीके के कॉमेंट मत करो, क्योंकि इससे आप अपनी किताब भर रहे हैं, ठीक है। किसी और का कुछ नहीं बिगड़ेगा आपके इस तरीके कमेंट करने से। और ये भी बता रहे हैं कि आपके कैसे संस्कार हैं, कैसे संस्कार हैं आपके कि इसी पुल में डूब के मर जा। भाई मैं क्यों मर जाऊं? बिल्कुल सही बात है, इनके पास यही सब कुछ होगा जो कि वो सबको यही दे रही है कि अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही है। सो चलिए दोस्तों, एंड करते हैं इस ब्लॉग को, और मिलेंगे कल अच्छे से नए ब्लॉग के साथ में। प्लीज इस तरह की कमेंट मत करो, आप लोग आओ, हम लोग आपको एंटरटेनमेंट करते हैं, इंजॉय करो और अपनी लाइफ को इंजॉय करो यार। किसी को ऐसे फालतू कमेंट करने से क्या मिल जाएगा आपको? गुड नाइट, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना, मैं यहाँ पे स्क्रीन शॉट लगा रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग फॉलो कर लेना, और आईडी भी है तो सर्च भी कर सकते हैं। बाय बाय, और कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना कि इस तरीके का क्या किसी के लिए बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। चलिए बाय बाय।